क्या हो अगर एक महिला किसी को सब कुछ खाने पीने की चीजें दे और शर्त हो कि इस इंसान को बस उस महिला के साथ बच्चे पैदा करना हो, तो जिंदगी कैसी होगी? ऐसी ही शानदार फिल्म का नाम है द सीडिंग। फिल्म की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है जहां एक अकेला बच्चा अपनी माँ की तलाश में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ मील दूर सड़क पर एक कार चल रही होती है जो अचानक रेगिस्तान के बीच में रुक जाती है। कार चला रहा आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम विंडम होता है और वह पैदल चलता रहता है। विंडम एक फोटोग्राफर है जो सूर्य ग्रहण को कैद करने के लिए यहां आया है। कुछ तस्वीरें लेने के बाद ये देखते हुए कि दिन खत्म होने वाला है, वह अपनी कार में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसका सामना एक लड़के से होता है जो खोया हुआ और डरा हुआ लगता है। विंडम के पूछने पर लड़का बताता है कि उसके मम्मी पापा खो गए हैं और वह उल्टी दिशा की ओर जाने लगता है। लड़के को घर का रास्ता खोजने में मदद करने की कोशिश करते हुए विंडम उसके पीछे जाता है, लेकिन लड़का बहुत दूर आने पर हंसते हुए निकल लेता है। विंडम अंधेरे में अकेला रह गया है, उसके पास अपनी कार की ओर लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है और वह खो गया है। विंडम जमीन पर सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह शोर का पीछा करता है और जल्द ही उसे रस्सियों से बंधा हुआ खूंटा दिखाई देता है जिसमें बोतलें लटक रही होती हैं, जिससे रेगिस्तान में एक मधुर झंकार सुनाई देती है। तभी वह एक बड़ी घाटी को देखता है जिसके नीचे एक लकड़ी का घर है जिसके चारों ओर एक महिला गीत गाती हुई घूम रही होती है। इसके साथ ही विंडम देखता है कि एक रस्सी की सीढ़ी नीचे खाई में जा रही है। वह मदद की तलाश में नीचे उतर जाता है। विंडम घर के पास पहुंचता है, वह लगातार दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए वह खुद ही दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। चूल्हे के पास खड़ी महिला को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उसे भोजन की पेशकश करती है और विंडम मना कर देता है। फिर भी वह उसे कुछ सूप परोसती है और मेज पर उसके सामने रख देती है। विंडम इसके लिए उसका धन्यवाद देता है, लेकिन वह इस अजीब जगह के बारे में सवाल पूछता रहता है। विंडम उसे उस लड़के के बारे में बताता है जिससे वह मिला था और पानी मांगता है। अब इस महिला का नाम एलिना होता है और वह विंडम को बिस्तर पर आराम करने के लिए कहती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वह युवा और सुंदर एलिना को संवरते हुए देखता है। अगली सुबह वह अपना सामान इकट्ठा करता है और रास्ता खोजने की उम्मीद में बाहर निकल जाता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि रस्सी की सीढ़ी अब गायब हो गई है। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद विंडम अपना कैमरा निकालकर आसपास की दीवारों पर बने चित्रों की तस्वीरें लेता है। ये सब कुछ काफी अजीब सा होता है। फिर उसकी नजर एलिना पर पड़ती है जो छत की मरम्मत कर रही होती है और उससे गायब सीढ़ी के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है। ज्यादा पूछने पर अब उसकी बातों से पता चलता है कि यहाँ कोई और भी रहता है, मगर वह सीधे तौर पर उसे कुछ नहीं बताती। निराश होकर विंडम घाटी के चारों ओर घूमता है, समय समय पर मदद मांगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाद में एलिना उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वह उसके कपड़े धो सके और कहती है कि इतना गंदा होकर घर लौटना अच्छी बात नहीं है। अब आदमी के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। उस रात विंडम को फिर से नींद नहीं आती है, वह बाहर जाता है और एक बार फिर बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। सुबह में वह घर की तलाशी लेता है और एक हथौड़ा ढूंढकर घाटी की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। अचानक उसे ऊपर हलचल नजर आती है और तभी एक मुर्गी का शव नीचे गिरता है जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है एंड वह गिर जाता है। इसके बाद विंडम को अंधेरे में होश आता है। एलिना उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है। उसका पैर उसके ही हथौड़े से घायल हो गया होता है और वह दर्द से चिल्लाता है, लेकिन वह चट्टान पर देखे गए बच्चों के बारे में उसके सवालों का जवाब नहीं देती है। कई दिनों तक उसे बुखार आता जाता रहता है। वह रात और दिन के बीच अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। लंगड़ाते हुए विंडम बाहर जाता है। वह मांग करता है कि एलिना ऊपर के बच्चों को उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहे, लेकिन वह उसे न समझने का दिखावा करती है। वह उसकी देखभाल करने और उसकी भलाई के लिए वहीं उसके घर में रहने की पेशकश करती है, लेकिन विंडम को इसकी जरूरत नहीं है। वह अपने काम पर घर लौटना चाहता है। वह किसी भी मदद को न लेते हुए एलिना को बेरहमी से धक्का देता है। फिर विंडम अपने पैर की जांच करता है और उसे लगता है कि इसे पूरी तरह से ठीक होने में काफी लंबा समय लगेगा। अचानक उसे ऊपर से आवाजें सुनाई देती है और वह देखता है कि लड़का एक छोटी लड़की का हाथ पकड़ रहा है। ये जोड़ी खुशी से पूछती है कि वे कैसे मदद कर सकते हैं और ये जानने पर कि विंडम ऊपर चढ़ना चाहता है, लड़का रस्सियां लाने और
और अपनी चरखी से उसे बाहर खींचने का वादा करता है। लेकिन ऊपर खींचने से पहले वह विंडम के पसंदीदा रंग के बारे में एक अजीब सवाल पूछता है। विंडम जवाब देता है कि उसे लाल रंग पसंद है। लड़का और लड़की चले जाते हैं और फिर अचानक ऊपर से एक रस्सी गिरती है और वही लड़का विंडम को खुद को कस कर बांधने के लिए कहता है। अब विंडम खुद को अच्छे से बांधता है। वे उसे ऊपर खींचना शुरू करते हैं और उसे लगता है कि अब तो वह बाहर पहुँच कर मजे करेगा। लेकिन लगभग आधे रास्ते में रस्सी रुक जाती है और वह घाटी के ऊपर ही लटक जाता है। विंडम चिल्लाता है, फिर खुद रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती और वह कड़ी धूप में सूखने लगता है। लेकिन तभी उसे नमी से होश आ जाता है। जब वह ऊपर देखता है तो पता चलता है कि लड़का उस पर पेशाब कर रहा है और वे इस असहाय इंसान का खूब मजाक उड़ा रहे हैं। अब चट्टान पर कई बच्चे दिखाई देते हैं जिनमें बहुत छोटे से लेकर बड़े टीनेजर तक होते हैं। वे रस्सी को घुमाने लगते हैं जिससे वह घाटी की दीवारों से टकरा जाता है। फिर विंडम एलिना को मदद के लिए पुकारता है और वह मूर्ख बच्चों पर गुस्से से चिल्लाती है। तभी दीवार पर एक और झटका लगने के बाद विंडम होश खो बैठता है। उस रात वह बिस्तर पर जागता है और तुरंत उठने की कोशिश करता है। एलिना को कुछ समझ नहीं आता है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन विंडम भागने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब महिला बताती है कि ये बच्चे बेघर हैं, इसलिए वे एक साथ रेगिस्तान में इकट्ठे हुए हैं और ये सब जैसे तैसे खुद को जिंदा रखते हैं। अगले दिन विंडम देखता है कि एलिना एक चिड़िया को आजाद कर देती है। इसके बाद वह विंडम के लिए कुछ कपड़े निकालती है और वह उसे पहनने के लिए देती है। समय गुजरता है। एक दिन विंडम घाटी के तल पर कुछ बीज बोता है। इसके साथ ही कभी कभी बच्चे उनके लिए खाने पीने और जरूरत की चीजें लाते हैं, जिससे विंडम को आश्चर्य होता है क्योंकि उनके आसपास कोई भी दुकान नहीं है। वह उनके इस व्यवहार को नहीं समझता है। पहले वे उसे खाना खिलाते हैं, फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एलिना को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिना के शांत व्यवहार से आश्चर्यचकित होकर आदमी घर में उसके कामों में हाथ बटाता है। एक रात वह बहुत शराब पीता है और फिर उससे सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर से भयानक चीखें आने लगती हैं। एलिना विंडम को सलाह देती है कि जब बच्चे ऐसा करें तो वह बाहर न जाए, लेकिन वह बाहर भाग जाता है। वह अजीब कपड़े पहने लड़कों को घर के आसपास इकट्ठा होते देखता है। वे उसे ताना मारना, धक्का देना और पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंधेरे में अचानक गायब हो जाते हैं। विंडम एलिना से जवाब मांगता है कि ये बच्चे कौन हैं, वे यहाँ क्यों रहते हैं और वह इस भयानक जगह पर क्यों रहती है। लेकिन एलिना शांत रहती है क्योंकि वह यह नहीं मानती कि वह एक कैदी है। उस शाम एलिना नशे में धुत विंडम के पास आती है और दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। अब समय आगे बढ़ता है और विंडम के छोटे से खेत में पहला अंकुर दिखाई देता है। एक दिन एक टोपी वाला लड़का उसे ऊपर से बुलाता है। वह और बच्चों की तरह शरारती नहीं बल्कि सीधा साधा है और वह कोल्ड ड्रिंक लाने का वादा करता है। अब विंडम अपने पौधों के पास लौटता है और अचानक उसे रेत में दबी हुई एक शादी की अंगूठी और कार की चाबियां मिलती है। उस शाम एलिना उसे एक महिला की तस्वीर दिखाती है और उसे अपनी पहली माँ बताती है। इसके साथ ही एलिना कबूल करती है कि वह विंडम के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर विंडम को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। वह कभी भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था, खासकर ऐसी महिला से जिसे वह बमुश्किल जानता हो। वह एलिना पर चिल्लाता है लेकिन उसके पास इसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। अगली सुबह वह पाता है कि उसका खेत पक्षियों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन एलिना खुद से उसे दोबारा रोपने में मदद करती है। धीरे धीरे घर में जीवन कुछ हद तक व्यवस्थित हो जाता है। एलिना घर चलाती है और विंडम अपने शरीर को सुदृढ़ करने के लिए व्यायाम करता है। तभी एक दिन टोपी वाला लड़का फिर आता है। उसके अंदर जानने की बहुत इच्छा होती है और विंडम से कई सवाल पूछता है। विंडम उसे एलिना की मदद करने के लिए कहता है क्योंकि उसे बच्चा होने वाला है और उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत होगी। विंडम लड़के से कुछ रस्सी और कुछ भारी चीज लाने के लिए कहता है ताकि वे बाहर निकल सके। लड़का सब कुछ करने का वादा करता है, लेकिन तभी बड़े लड़कों में से एक आता है और उसे ले जाता है। बाद में विंडम एलिना को बताता है कि लड़का होशियार है और वह पढ़ना चाहता है, लेकिन एलिना को ये सब अजीब लगता है। जब वह आजादी का जिक्र करता है तो एलिना हैरान हो जाती है। वह उससे कहती है कि उसे यहाँ कुछ भी करने से कोई मना नहीं करता, तो क्या ये आजादी नहीं है। इस पर विंडम उसे बाहरी दुनिया के बारे में बताता है, जैसे समुद्र और चीज बर्गर, लेकिन एलिना को नहीं पता कि यह सब क्या है। महिला मानती है कि उसकी माँ कहती थी कि बाहर बस हवसी और निर्दयी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ रेगिस्तान में सब कुछ असली है। विंडम अपना कैमरा निकालता है और उसे वे तस्वीरें दिखाता है जो उसने उस दिन ली थी जब वह यहाँ पहुँचा था। लेकिन एलिना को सबसे ज्यादा अच्छा वह सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि कार की वीडियो रिकॉर्डिंग में बज रहा संगीत लगता है। रात में उसे बुरे सपने आते हैं कि बच्चे किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। सुबह में उसे आंगन से एलिना की भयानक चीख सुनाई देती है। वह बाहर
बाहर भागता है और देखता है कि टोपी पहना हुआ लड़का घाटी के ऊपर तारों पर लटका हुआ है और जंगली लोग चट्टान पर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। महिला अचानक गुस्से में कहती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वह विंडम पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाती है और उसके सिर पर बोर्ड से वार कर देती है। अब जब वह होश में आता है तो विंडम खुद को एक पिंजरे में पाता है। उसकी लाख मिन्नतों के बावजूद अलीना उसे जाने नहीं देती है। वह उसे जानवरों की तरह खाना खिलाती है और उसके बच्चे विंडम का मजा लेने के लिए आते रहते हैं। एक दिन वह एक लड़की को चट्टान पर खड़ा देखता है जो यहाँ की नहीं है। विंडम उसका ध्यान खींचने के लिए धीरे से बुलाता है और वह लड़की से मदद के लिए भीख मांगता है। वह उसे समझती है और पुलिस को बुलाने के लिए चली जाती है। विंडम अपने पिंजरे में चुपचाप इंतजार करते हुए प्रेग्नेंट अलीना को काम करते हुए देखता है। अचानक उसे चीखें सुनाई देती है और वहशी लोगों को लड़की को पकड़ते हुए देखता है। वे उसे खींच कर चट्टान पर ले जाते हैं और उसकी आंखों के सामने उसका काम तमाम कर देते हैं। समय बीत जाता है और विंडम पिंजरे में ही रहता है। वह रात में अलीना, उसके बच्चों और उसके भाइयों के पूजा पाठ को देखता है। अब एक दिन वह अचानक अलीना से कहता है कि वह हमेशा यही रहना चाहता है, अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहता है और अलीना से प्यार करता है जो उसकी रानी बनेगी। वह बच्चे को वह सब कुछ सिखाएगा जो वह जानता है और खुद को पूरी तरह से उनके लिए कुर्बान करने को तैयार है और यह उसकी पसंद है। लेकिन पसंद शब्द सुनकर अलीना हंसती है और विंडम से कहती है कि वह यहाँ हवा से उड़ा हुआ एक बीज मात्र है और यह बच्चा केवल उसका है। बच्चे के जन्म तक आदमी पिंजरे में रहेगा, उसके बाद इस रेगिस्तान में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। आखिरकार जन्म का दिन आ ही जाता है। जैसे ही विंडम पिंजरे में घूमता है, अलीना घर में चिल्लाती है। महिला उसके पास पहुँचती है, मदद की भीख मांगती है क्योंकि उसे पहले कभी इतना ज्यादा लेबर पेन नहीं हुआ था। वह उस आदमी को पिंजरे से आजाद करती है और वह उसके दर्द को कम करने की पूरी कोशिश करता है। बच्चे चट्टान पर खड़े होकर देख रहे हैं। अचानक विंडम को ऊपर से एक सीढ़ी उतरती हुई दिखाई देती है, लेकिन अलीना चिल्लाती है और वह उसके पास रुक जाता है। तभी एक बच्ची का जन्म होता है। विंडम बच्ची को अपनी बाहों में लेता है और उसे चूमता है। वह पिता बनने से बहुत खुश होता है। अलीना उससे बच्चा देने की विनती करती है और जब उसे बच्चा मिल जाता है तो वह उसे नई माँ बनने तक खिलाने और उसकी रक्षा करने का वादा करती है। तब वह अपना लक्ष्य पूरा करेगी। जैसे विंडम ने अब अपना लक्ष्य पूरा किया है, उसी समय एक लड़का चुपचाप आता है और उस आदमी का काम तमाम कर देता है। ढाते शरीर पर गर्व करते हुए उसे बताता है कि वह यह माँ के लिए कर रहा है। बाद में अलीना विंडम का सामान इकट्ठा करती है और उन्हें एक संदूक में पैक करती है। फिर बच्चे के पास जाती है और उससे वादा करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच विंडम का शरीर घर के आंगन में सड़ जाता है, घास उग जाती है और सब कुछ धूल में बदल जाता है।